अगर किसी पक्षी का चोंच टूट जाएगा तो वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि बिना चोंच के खा नहीं सकता। लेकिन ईगल एक ऐसा बर्ड है जो जानबूझकर खुद ही अपना चोंच को तोड़ देता है। लेकिन ईगल ये जानते हुए कि वो बिना चोंच के वह भूखा मर सकता है तो फिर भी अपना चोंच क्यों तोड़ता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में उड़ सकता है और अपनी चोंच से बड़ी शिकार फिरफार कर सकता है। लेकिन जब एक ईगल का उम्र 30-40 के आसपास हो जाती है तो इसके पंख भारी हो चुके होते हैं और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है। इसलिए ईगल ना ढंग से उड़ पाता है ना शिकार कर पाता है और ईगल का मरने का नौबत आ जाता है। तब उसके बाद एक ऊंची चट्टान पर चले जाता है और पत्थर से मारकर अपनी चोंच को तोड़ देता है। 3 से 4 महीने भूखा रहने के बाद इसकी नई चोंच उग जाती है और उस नई चोंच के मदद से पुरानी पंख को उजाड़ के फेंक देता है। फिर 2 से 3 महीने के बाद नई पंख आ जाता है। 6 से 7 महीने इस दर्द भरे प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर से आसमान में राज करता है। दोस्तों, आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।